एग्जांपल 13 से लेकर 21 तक करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 10.3 के पहले है। तो अगर ये आप एग्जांपल ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर आप पूरी एक्सरसाइज अपने मन से कर लेंगे। तो एग्जांपल 13 हम लोग सबसे पहले करते हैं। यदि दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा ए डॉट बी बराबर 1, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ए और बी दो सदिश हैं जिनका परिमाण, यानी एक सदिश का परिमाण का मतलब ए का मॉडुलस बराबर 1 है और बी सदिश का परिमाण हमारा दिया हुआ है कितना है 2, और ए डॉट बी बराबर 1 है। इन सदिशों के बीच का कोण, तो दो सदिशों के बीच का कोण हम लोग जो है जो फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ हम लोग साइड में लिखेंगे, जो फार्मूला यूज होगा यहाँ साइड में, ए डॉट बी इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों सदिश, जहाँ थीटा सदिश ए तथा बी के बीच का कोण है, सदिश ए तथा बी के बीच का कोण है। तो अगर हमको कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा तो यहाँ से पक्षांतर करिए हम लोगों का, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, यानी दो सदिश ए और बी के बीच का कोण का कॉस जो हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो यहाँ पे ए डॉट बी भी हमको दिया है, मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी भी दिया है, तो सिंपल सा हम लोगों का फार्मूला लग जाएगा, दो सदिश ए और बी के बीच का कोण, इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि थीटा इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। बस हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है, बस ए डॉट बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1, मॉड ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ से हमारा थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा, और कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री की, यानी ऐसे बोले हम लोग कि कॉस थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 1/2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू जो होती है उसके लिए कॉस 60 डिग्री हमारा क्या होता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो थीटा हमारा क्या हो गया 60 डिग्री, या अगर रेडियन में लिखें तो π/3। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोगों का दो सदिश के बीच का कोण निकालना था, और ये फार्मूला हमारा लगा कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। दो सदिश ए बराबर आई प्लस जे माइनस के तथा बी बराबर आई माइनस जे प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं, और ए डॉट बी भी नहीं दिया है, तो फिर वही बात है, फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए डॉट बी जो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो जो कोण थीटा है उस कॉस थीटा निकालना है, ये हमारा हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। और एक पॉइंट हम लोग ये यूज करेंगे कि अगर दो वेक्टर आपके जो है घटक फॉर्म में दिए हों ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये देखिए ए बराबर मान लीजिए हमारा है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और बी ये नहीं नहीं नहीं
ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के इस फॉर्म में लिखते हैं। ए वेक्टर हमारा ए है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। बी बराबर एक वेक्टर हमारा है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। तो ए डॉट बी हमारा हो जाता है सीधा सीधा आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करते हैं, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो ये सिंपल सा फार्मूला हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं और इसका यूज़ करेंगे। यानी दो वेक्टर आपके घटक फॉर्म में दिए हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है सीधा सीधा आप आई वाले को आई से गुणा करें, जे वाले को जे से प्लस प्लस के वाले के से। तो यहाँ जो हमारा दिया है इसको लिखते हैं ए बराबर है आई प्लस जे माइनस के और बी बराबर हमारा है आई माइनस जे प्लस के। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा आई का गुणांक यहाँ पे वन यहाँ पे वन वन इंटू वन प्लस यहाँ पे जे का गुणांक वन और यहाँ पे माइनस वन वन इंटू माइनस वन प्लस यहाँ पे के का गुणांक माइनस वन और यहाँ पे के का गुणांक वन। तो ए डॉट बी इक्वल टू वन माइनस वन माइनस वन। तो ए डॉट बी हमारा आ गया माइनस वन। अब हमको कोड निकालने के लिए मॉड ए और मॉड बी भी चाहिए। तो मॉड ए मॉड बी का भी फार्मूला लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा कोई वेक्टर ए बराबर या आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, यदि आपका कोई वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो आर का जो परिमाण होता है ये आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक के स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा परिमाण निकालने का तरीका हो गया। तो ए का परिमाण हम लोग निकालते हैं, ए का परिमाण हमारा हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर भी वन हो गया, क्या आ गया रूट थ्री। बी का परिमाण हमारा हो जाएगा आई के गुणांक का स्क्वायर वन है, जे का गुणांक है माइनस वन और के का गुणांक है वन, ये भी आ गया रूट थ्री। अब हम लोग सदिश ए तथा बी के बीच का कोण कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉडलस ऑफ ए मॉडलस ऑफ बी, यहाँ से हमारा कॉस थीटा हो गया। ए डॉट बी की वैल्यू है हमारा माइनस वन और मॉड ए की वैल्यू है रूट थ्री और इसकी वैल्यू रूट थ्री। तो यहाँ से कॉस थीटा आ गया हमारा माइनस वन बाई थ्री। तो इसको हम लोग लिख दें थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई थ्री, क्योंकि कॉस थीटा की सभी वैल्यू तो आपको याद रहेगा नहीं, कि हमको ये नहीं मतलब याद है कि जो है किस थीटा के लिए वैल्यू माइनस वन बाई थ्री होती, केवल स्टैंडर्ड वैल्यू ही तो आपको याद रखना होता है कि जीरो डिग्री तीस पैंतालीस साठ नब्बे इन सब की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा तो उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोगों का क्या यूज हुआ कि दो सदिश ए और बी के बीच के कोण का फार्मूला कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये हम लोग यूज करेंगे। और दो सदिश अगर आपके घटक फॉर्म में दिए हों तो ए डॉट बी का ये फार्मूला हो गया, और कोई सदिश है तो उसका परिमाण हम लोग भी निकालना जानते हैं। तो इससे फार्मूला आपका रिवाइज होता रहेगा। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस तो दर्शाइए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का कोण आपको 90 सिद्ध करना है। तो हमारा जो दिया है ए बराबर फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के और बी बराबर है हमारा आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के। तो हमारा ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। तो ए प्लस बी वेक्टर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो ए प्लस बी में सीधा सीधा ये जुड़ जाता है फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के प्लस आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के। अब आई वाला आई के साथ जुड़ जाएगा, जे वाला जे के साथ, के वाला
के साथ। तो फाइव बाई उदाहरण 15 हम लोग कर रहे हैं, ए प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया, ए हमारा है फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के, बी है आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, तो फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के प्लस आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ लिया, जे वाले का जे का, के वाले का के साथ। अब हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी, ए हमारा है फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के और बी हमारा है आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, तो ए माइनस बी बराबर फाइव आई माइनस जे माइनस थ्री के माइनस आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, माइनस हम लोगों ने गुणा कर दिया अंदर, फोर आई, पाँच आई से आई चला गया और माइनस जे माइनस थ्री जे माइनस फोर जे और माइनस थ्री के प्लस फाइव के हमारा हो जाएगा प्लस टू के। अब a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कोण हमको निकालना है, तो दो वेक्टर के बीच के कोण हमारा होता है cos थीटा बराबर a डॉट b, cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉडलस ऑफ a इंटू मॉडलस ऑफ v। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉडलस ऑफ a मॉडलस ऑफ v, और कोई वेक्टर r हमारा अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप का है, यानी घटक फॉर्म में दिया है, तो उसका जो परिमाण होता है वो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला हम लोगों का हो गया जो परिमाण निकालने में यूज करेंगे हम लोग। और a डॉट b भी हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि अगर हमारा एक वेक्टर a इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है और दूसरा वेक्टर हमारा b इक्वल टू बी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि a डॉट b इक्वल टू i वाले का i के साथ गुणा प्लस j वाले का j के साथ गुणा प्लस k वाले का के साथ गुणा। तो a डॉट b हमारा हो जाता है a1 b1 बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कोण निकालना है, तो a प्लस बी को हम लोगों ने कैपिटल A वेक्टर मान लिया और a माइनस बी जो हमारा आया है इसको हम लोगों ने कैपिटल B वेक्टर मान लिया। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का हमको कोण चाहिए, तो कैपिटल ए का मॉडलस यानी हमारा ए प्लस बी जो वेक्टर है उसका मॉडलस हो जाएगा अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस एट का स्क्वायर, तो छत्तीस चालीस और चौंसठ, सिक्स आई प्लस टू जे माइनस एट के है, तो छत्तीस चार चालीस और चौंसठ, चालीस और चौंसठ एक सौ चार, और ए माइनस बी का हमारा मॉडलस हो जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा सोलह बत्तीस छत्तीस इक्वल टू हमारा आ गया सिक्स। अब हमारा कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी भी हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूला हम लोग लगाएंगे कोण, तो ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैपिटल ए हमारा ये है, कैपिटल बी ये है, दिस इक्वल टू कैपिटल ए, तो आई वाले का आई के साथ करें, तो सिक्स इंटू फोर, देखिए कैपिटल ए में जो हमारा है आई सिक्स, कैपिटल बी में फोर, सिक्स इंटू फोर प्लस यहाँ पे जे का टू, यहाँ पे माइनस फोर प्लस यहाँ पे के का माइनस एट इंटू यहाँ पे के का टू, तो चौबीस और आठ दूनी सोलह और आठ चौबीस, चौबीस माइनस चौबीस जीरो हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू सीधा सीधा अगर हम लोग निकालें तो ए डॉट बी, कैपिटल ए डॉट बी अपॉन मॉडलस ऑफ ए इंटू मॉडलस ऑफ बी, ए डॉट बी की वैल्यू हम लोगों की आ चुकी है जीरो, तो जीरो अपान
अंडर रूट 104 गुणे 6 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हमको पता चल गया किस वैल्यू के लिए 0 होता है, 90 डिग्री के लिए। थीटा हमारा क्या आ गया, पाई बाई 2 रेडियन में या 90 डिग्री। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस वी वेक्टर हमारे एक दूसरे के लंबवत हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया 15। अब हम 16 नंबर देखते हैं। सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k का सदिश b बराबर i प्लस 2j प्लस k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। a बराबर है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 2k और b है i प्लस 2j प्लस k। तो इसमें जो थ्योरी यूज हो रहा है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपका पूरा रिवाइज भी हो जाए। ये हमारा हो गया वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ से इस पर लंब हम लोग ड्रा करें ये पॉइंट सी। तो जो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, इसी पार्ट ए सी को ही बोला जाता है सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। यानी यहाँ से अगर आप लाइट डालेंगे यहाँ से तो इतने पार्ट में अंधेरा रहेगा, इसके ए की वजह से वही प्रक्षेप होता है। तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप जो परिभाषित है ये क्या होगा, ए सी, और समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, सदिश ए और ये हमारा सदिश बी के बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी ए सी बटा ए बी। तो यहाँ से ए सी हमारा आ गया ए बी कॉस थीटा, ए सी बराबर हमारा आ गया ए बी कॉस थीटा, और ए बी हमारा लेंथ क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए कॉस थीटा, और वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यही तो हम लोग पढ़ते हैं कॉस थीटा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी खत्म हो गया। जो ए सी यानी जो प्रक्षेप हमारा आ गया ए का बी पे, ए डॉट बी अपॉन मॉड वी, ये आपको फार्मूला याद रखना। और ये फार्मूला कहाँ से आया बता दिया हमने, कि सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड वी, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जिस पर प्रक्षेप चाहिए वो नीचे उसका मॉडुलस रहेगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सदिश ए पता है, सदिश बी पता है, तो हम लोग ए डॉट बी पहले निकालते हैं। तो ए डॉट बी हमारा हो गया, और ए डॉट बी निकालने के लिए आई वाले का आई के साथ गुणा, यहाँ पर आई का गुणांक 2 है, यहाँ पर 1 है, प्लस जे वाले का जे के साथ गुणा, प्लस के वाले गुणांक का के साथ गुणा। तो ए डॉट बी हो गया 2 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 10। मॉड बी भी हम लोग निकाल लेते हैं, मॉड बी होगा बी इक्वल टू हमारा क्या है, वेक्टर बी हमारा है आई प्लस 2j प्लस के। तो यहाँ से अगर हम लोग मॉड बी निकालें तो अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर आ गया रूट 6। अब अपना वो फार्मूला हम लोग रखते हैं, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। तो दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, हम लोगों ने निकाला 10, मॉडुलस ऑफ निकाला रूट 6, 10 बाय रूट 6। परमेयीकरण कर देते हैं हर का, तो रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, तो ऊपर हो गया 10 रूट 6 और नीचे रूट 6 इंटू रूट 6 हो गया, 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 5 बाई 3 इंटू रूट 6, ये हमारा आंसर हो गया 16 नंबर। अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं।
यदि दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि मॉड ए बराबर 2, मॉड बी बराबर 3 और ए डॉट बी बराबर 4, तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम लोग उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 2, यानी सदिश ए का परिमाण 2 और सदिश बी का परिमाण 3 और ए डॉट बी बराबर 4, और हमको ए माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस टाइप का कहीं पे आए कि मॉडुलस ऑफ कोई वेक्टर, तो इसके लिए हम लोग देखें क्या यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमारा क्या होगा, मॉड ए और उसी वेक्टर के साथ कोण हमारा 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए डॉट ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ उसी वेक्टर का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको ए माइनस बी चाहिए, तो अगर आप ए माइनस बी का मॉडुलस नहीं निकाल सकते, ए माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर आप कंसीडर करें, ए माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए की जगह पे किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए और बी आपको अलग अलग पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ से हमारा ए माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो a माइनस बी को एक सिंगल वेक्टर अगर हम लोग सपोज कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी डॉट a, ये अंदर जा रहा है, माइनस a माइनस बी डॉट b। अब इसको थोड़ा और, फिर a हमारा चला आएगा इधर, a डॉट a डॉट प्रोडक्ट फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस b डॉट a ये, और माइनस ये हमारा होगा a डॉट b माइनस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। ये हमारा ए डॉट बी लिखा हो या बी डॉट ए, कोई फ़र्क नहीं होता, तो इसको हम लोगों ने ए डॉट बी लिख दिया, माइनस से गुणा किया ए डॉट बी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, बी डॉट बी हमारा क्या हो गया, मॉड बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको यही यूज करना है कि ए डॉट ए बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, और कहीं पे a डॉट b लिखा है या b डॉट a, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यही यूज कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे हमको पता है, मॉड a हमारा हो गया मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b, a डॉट b a डॉट b जुड़ के 2 a डॉट b बन गया, माइनस 2 a डॉट b। अब मॉड ए की वैल्यू 2 है तो मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू 4, मॉड बी की वैल्यू 3 है तो मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू 9, माइनस 2 ए डॉट बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से हमारा आ गया 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, यानी ए माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर हमारा आ गया 5। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे हमारा, तो ए माइनस बी का मॉडुलस आ गया रूट 5। ए माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर आ गया हमारा अगर 5, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो इधर ए माइनस बी का मॉडुलस बचेगा और इधर क्या आएगा, रूट 5। ये 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसको आप डायरेक्ट भी कहीं पे यूज कर सकते हैं कि जो ए माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। इस ये फार्मूला ही एक हिसाब से है, a माइनस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b। यहाँ से हम लोगों ने ये देखा। अब 18 नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखें। 18 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि यदि a एक मात्रक सदिश है
यदि ए एक मात्रक सदिश है और x माइनस ए डॉट x प्लस ए इक्वल टू एट, तो मॉड x ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, ए मात्रक सदिश है, इसका मतलब ए का जो परिमाण है वन है, मॉड ए बराबर वन दिया है और x माइनस ए डॉट x प्लस ए इक्वल टू एट और हमको मॉड x निकालना है। तो x माइनस ए डॉट x प्लस ए जो दिया है इसी को हम लोग लेके चलते हैं, x माइनस ए डॉट x प्लस ए इक्वल टू एट। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको एक सिंगल वेक्टर मान के डॉट प्रोडक्ट हम लोग अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस ए डॉट x प्लस x माइनस ए, ये अंदर जाएगा तो डॉट a इक्वल टू एट। अब फिर ये हमारा x के साथ डॉट प्रोडक्ट अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारा हो जाएगा x डॉट x माइनस a डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट a इक्वल टू एट। अब x डॉट x हमारा हो जाएगा मॉड x का होल स्क्वायर माइनस a डॉट x प्लस x डॉट a लिखा हो या a डॉट x डॉट एक ही है, और ये a डॉट a हमारा मॉड a स्क्वायर इक्वल टू एट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ही पॉइंट का यूज किया है, a डॉट x की जगह, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, a डॉट b बराबर b डॉट a, आप कहीं भी दोनों का मान बराबर होता है, और a डॉट a हो यानी कोई वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो उसके वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा मॉड a इक्वल टू वन है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड x स्क्वायर माइनस, ये हमारा ख़त्म हो गया, a डॉट x ख़त्म हो गया, माइनस मॉड a की जगह पे वन इक्वल टू एट, यहाँ से हमारा आ जाएगा मॉड x का होल स्क्वायर इक्वल टू आठ एक नौ, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो मॉड x इक्वल टू थ्री, प्लस माइनस थ्री नहीं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन, मॉड एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है, नेगेटिव प्लस माइनस थ्री नहीं करेंगे, केवल प्लस वाला वैल्यू रहेगा। तो ये हो गया हमारा 18 नंबर। 19 नंबर आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, या आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि दो सदिश ए और बी के लिए सदैव आपको ये सिद्ध करना है या दिखाना है कि a माइनस बी, ए माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा आपका मॉड a इंटू मॉड b से कम होता है या उसके बराबर भी हो सकता है। इसको कॉची शॉर्ट्ज असमिका बोला जाता है, कॉची शॉर्ट्ज असमिका। हिंदी में लिखने का नाम जो है बड़ा विभत्स नाम हो जाएगा, इसीलिए इंग्लिश में ही लिखा रहने दीजिए, कॉची शॉर्ट्ज। ए माइनस बी का मॉड लेस देन मॉड ए इंटू मॉड बी, ये कॉची शॉर्ट्ज असमिका, इसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए फिगर हम लोग बनाते हैं पहले, सॉरी ये ए डॉट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ए डॉट है, माइनस नहीं, ए डॉट बी, ए डॉट बी का जो मॉडुलस होगा वो मॉड ए मॉड बी, ये समझिए कि दो वेक्टर ए और बी का आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला दो वेक्टर ए और बी का, तो वो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से थोड़ा समझिए कि ये हमारा a डॉट b जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा,
ठीक है। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा एक के बराबर या एक से कम, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एक के बराबर हो जाएगा या एक से कम ही होगा, के बराबर या एक से कम। और मॉड ए इंटू मॉड बी लिखा है। अब इस वैल्यू की और इस वैल्यू की कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसमें कॉस थीटा एक समय में जब कॉस थीटा की वैल्यू वन होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ए डॉट बी और ये। लेकिन अगर कॉस थीटा की वैल्यू एक के अलावा और कुछ हुई तो ए डॉट बी में एक से छोटी संख्या में जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें एक से छोटी संख्या से, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी ए डॉट बी छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा है कि ये जो कॉची सॉर्ट असमिका कि ए डॉट बी का मॉडुलस हमेशा मॉड ए मॉड बी से कम होगा। इसको अब हम लोग जो है ये तो समझ ले, अब थोड़ा मैथमेटिकली दिखाते हैं। दो सदिशों ए और बी के लिए सदैव ए डॉट बी का मॉडुलस लेस देन मॉड ए मॉड बी, ये यहाँ से हम लोगों को महसूस हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा दो सदिश ए और बी के लिए जो हमारा ए डॉट बी डिफाइन है, ए डॉट बी इक्वल टू हमारा क्या होता है मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा क्या होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है अगर यहाँ पे दोनों तरफ मॉडुलस हम लोग लगा दें तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें तो ए डॉट बी का मॉडुलस अपॉन, नीचे तो मॉडुलस लगा ही है, मॉड ए मॉड बी, ठीक। और जो कॉस थीटा का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा वन के बराबर हो सकता है या वन से छोटा होगा। कॉस थीटा का मॉडुलस ये त्रिकोणमिति से हमको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा वन हो सकती है और हमेशा उससे छोटी रहेगी। तो ये हमारा कॉस थीटा का मॉडुलस है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो ये लिखा है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी लेस देन इक्वल टू वन। अब जो हमको लाना है मॉड ए मॉड बी से दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं, क्योंकि असमिका में जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में मॉड ए इंटू मॉड बी, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए धनात्मक संख्या, क्योंकि इनइक्वालिटी जो होती है उसमें धनात्मक संख्या से ही आप गुणा कर सकते हैं, धनात्मक संख्या से गुणा करने पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन इसका मॉडुलस मॉड ए मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी और लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। और ये हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमको मिल गया कि ए डॉट बी का जो मॉडुलस होगा वो हमेशा मॉड ए इंटू मॉड बी के से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, सिंपल सा। और ये बराबर कब होगा जब थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाए कॉस थीटा की वैल्यू वन हो जाए, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। बराबर कब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो ये हम लोगों का जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश हम लोगों ने करी है। तो इसको आप याद रखिए कि दो सदिश ए और बी के लिए जो ए डॉट बी का मॉडुलस होता है हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर भी कभी हो सकता है मॉड ए इंटू मॉड बी से। तो इसको लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, फिर दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया तो कॉस थीटा का मॉडुलस इक्वल टू ए डॉट बी का मॉडुलस अपॉन मॉड ए मॉड बी। और कॉस थीटा का मॉडुलस हमेशा वन के से छोटा या उसके बराबर होता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया वन से छोटा या उसके बराबर, और फिर ए मॉड बी से दोनों तरफ गुणा कर दिए तो जो हमको लाना था वही आ गया।
और इक्वल कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो ये आप समझ रहे हैं। 20 नंबर ये त्रिभुज असमिका है, इसको भी हमको दिखाना है कि दो सदिश ए तथा बी के लिए ए प्लस बी का जो मॉडुलस होगा, समझ रहे हैं कि जो ए, दो वेक्टर ए और बी कैसे हों, उनको जोड़ने पे जो वेक्टर आएगा उसकी लंबाई हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, या किसी केस में बराबर भी हो सकता है, ए की अलग लंबाई प्लस बी की अलग लंबाई। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी या त्रिभुज असमिका भी बोला जाता है। तो इसका देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ सिंपल सा, ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हम लोगों ने ले लिया वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के सर पे वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए के अंतिम बिंदु पे वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु है, तो हमारा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से वेक्टर बी के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर। ये तो हमको पता है त्रिभुजों के योग, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अब सिंपल सी चीज़ ये हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये हम लोगों को पता है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है इसका, किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये तो सबको पता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये अगर हम लोग इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा ले लिया और बी सी भुजा ले लिया, तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, यानी एक सिंगल भुजा ए सी अगर आपने लिया तो इसका ए सी क्या होगा, ये छोटा होगा हमेशा ए बी प्लस ए सी से, और ए सी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन ए बी हमारा है मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका हो गया, और बराबर तब होता है जब ए और बी एक ही दिशा में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकली ये समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर, ए बी लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी सी लेंथ हमारा क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ए सी लेंथ हमारा क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बराबर वाला चिन्ह हमारा कब आएगा, बराबर वाला देखिए कब आएगा, जब ए बी और सी संरेख हो जाएंगे, ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इसमें आप अगर करेंगे ए बी सी जब संरेख हो जाएंगे तो वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी हम लोग कहें ए प्लस बी का मॉडुलस बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी जब ए बी सी संरेख हैं। जब संरेख होंगे तो ये इक्वलिटी ये बराबर वाला चिन्ह होल्ड कर जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ हो गया हमारा दो सदिशों ए और बी के लिए। मैथमेटिकल प्रूफ इसका देख लेते हैं,
प्लस बी का जो मॉडुलस होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी से कम। इसको बोलते हैं त्रिभुज असमिका। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ए प्लस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर ए डॉट ए, ए डॉट ए इक्वल टू हमारा होता है मॉड ए स्क्वायर, यानी किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वही वेक्टर डॉट वही वेक्टर, यानी दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए प्लस वी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। सिंपल सी बात है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है। तो दिस इक्वल टू अब हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको सिंगल वेक्टर मान लें तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, फिर ये हमारा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। दिस इक्वल टू ए डॉट ए हमारा मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी या बी डॉट ए या ए डॉट बी, ये भी हमारा क्या है ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी, तो दोनों को मिला के हमारा टू ए डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हम लोगों ने यूज किया, ये होता ही होता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं कहीं पे ज़रूरत पड़े। अब देखिए ये हमारा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आया था वो हो गया हमारा मॉड ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब इसको जो हमने लिखा है ये मॉड ए स्क्वायर प्लस प्लस टू ए डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी हमारा क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। तो एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि मॉड ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो ए डॉट बी वैसे लिखा था ए डॉट बी का मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब कि यहाँ पे अगर माइनस थ्री आएगा तो यहाँ पे थ्री रखना पड़ेगा प्लस बी स्क्वायर। तो दो एक्सप्रेशन ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों में अगर तुलना करी जाए तो ये कभी कभी जो है जब माइनस होगा तब ये धनात्मक, इसमें माइनस संख्या मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जुड़ेगी और इसमें धनात्मक संख्या, तो ये हमेशा क्या होगा बड़ा होगा या क्या होगा, कभी कभी दोनों बराबर हो जाएंगे जब ए डॉट बी की वैल्यू धनात्मक होगी। इसमें किस पॉइंट का यूज हम लोग ने किया कि अगर कि मॉड एक्स जो हमेशा होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है एक्स किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो ए डॉट बी हमारा आता है वो कोई नंबर ही तो आता है, कोई रियल नंबर ही आता है। तो अगर इसमें मॉड लगा देंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मॉड वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये हो गया हम लोगों का। अब दिस मॉड ए स्क्वायर इसको किसकी जगह पे हम लोगों ने लिखा था,
ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर लिखा हो या ये लिखा हो, बात तो एक ही है क्योंकि यही तो हमारा है, लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मॉडुलस। तो इसमें एक पॉइंट हम लोगों का और यूज होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमको क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसके लिए ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर कंसीडर किया, तो किसी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँचे और ये हम लोगों ने लिखा और एक एक्सप्रेशन हमने लिखा कि ए डॉट बी पे मॉड लगा दिया, तो मॉड वाला जो है बड़ा रहेगा या कभी बराबर भी हो सकता है। यहाँ तक केवल हम लोग पहुँचे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने देखा था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो ए डॉट बी का मॉडुलस होता है इसको भी यूज करना पड़ेगा। ए डॉट बी का जो मॉडुलस होता है यह हमेशा मॉड ए इंटू मॉड बी से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। ए डॉट बी का मॉडुलस मॉड ए इंटू मॉड बी से छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। तो अब देखिए, ये हमारा है ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये छोटा होगा आपका किससे, ये जो लिखा है मॉड ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी का मॉडुलस प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब एक पॉइंट यहाँ पे देख लिया आपका, एक एक्सप्रेशन ये लिखा है मॉड ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी का मॉडुलस प्लस मॉड बी स्क्वायर और एक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया मॉड ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी की जगह हम लोगों ने लिख दिया मॉड ए मॉड बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो ए डॉट बी होता है हमेशा छोटा होता है, तो ये ए डॉट बी का जो मॉडुलस है यहाँ पे जो हम लोगों ने बदल दिया है इससे हमेशा छोटा होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये जो है ये भी क्या होगा, हमेशा छोटा होगा और इसके बराबर होगा इससे। तो ये हमारा इससे छोटा है, अगर इसकी जगह पे हम लोग ये रख दें तो ये इससे छोटा होगा। तो दिस लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। अब हमारा ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये हमारा देखिए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी, ये हमारा हो गया मॉड ए मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया, तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब थोड़ा सा पॉइंट इसमें एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपका, हमको प्रूव चलिए एक बार और करके इसको दिखा देते हैं, आपका दोबारा हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली तो हम लोग समझ ही चुके हैं, मैथमेटिकली हमको समझना है कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या होता है मॉड ए, क्योंकि इस टाइप का प्रूव करने की आपको बिल्कुल आदत नहीं, एकदम से नया सा लगेगा तो थोड़ा बहुत थोड़ा कठिन टाइप का लग सकता है। इसको बोलते हैं त्रिभुज असमिका, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, इस टाइप का कुछ प्रूव नहीं किया आपका जो है इसीलिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ए प्लस वी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो दिस इक्वल टू ये हमारा हो गया ए प्लस बी को सिंगल वेक्टर एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, ये मानते हैं एक वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा वेक्टरों के योग और घटाना पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी
डॉट बी। और यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों ने यूज किया है कि ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। अब ये डॉट प्रोडक्ट फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए हमारा हो गया मॉड ए का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी हमारा हो गया मॉड बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। ए डॉट बी दो बार है तो ये हमारा हो गया, और ये हम लोग के लेके चल रहे हैं ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो ए डॉट बी जो हमारा होता है ये कोई रियल नंबर होता है, ठीक है। ए डॉट बी जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो ये धनात्मक भी आ सकता है ऋणात्मक भी आ सकता है, लेकिन कोई वास्तविक संख्या ही होती है। तो किसी भी वास्तविक संख्या हो और उसी वास्तविक संख्या का आप मॉडुलस लिखें तो मॉड का मतलब क्या होता है, वो संख्या अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक ले लिया जाएगा, ठीक है। मॉडुलस का मतलब संख्या को धनात्मक बनाना, तो उसी संख्या का मॉडुलस हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, कब, जब दोनों जब धनात्मक संख्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो मॉड एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर आल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक। जब x धनात्मक होगा तो मॉड x बराबर मॉड x हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 ले लिए तो x का मॉडुलस भी 3 और x भी 3 तो बराबर। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे आप माइनस 3 रखें, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3 तो मॉड x, एक एग्जांपल लेके लिख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू माइनस 3 लिखें तो मॉड x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 का मॉड ये 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा माइनस 3 से। अगर x की वैल्यू 3 है तब हमारा क्या हो जाएगा, मॉड x बराबर 3, और x बराबर भी 3 है तो मॉड x बराबर x हो जाता है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने लिखा कि a प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। अब एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे साइड में इसके लिख देते हैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू, और जो ए डॉट बी वहाँ पे वैसे लिखा था ए डॉट बी का मॉडुलस लगा दिए। तो जो मॉडुलस लगा दिए तो मॉडुलस वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, और जिधर बड़ा होता है उधर मुँह खुला रहता है, बराबर भी हो सकता है। ये हो गया। अब एक पॉइंट केवल और यूज होगा आपका कि जो प्रूव कर चुके हैं इसके जस्ट पहले कि कहीं पे आपका ए डॉट बी का जो मॉडुलस है ये अगर है तो ये हमेशा क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी से छोटा होगा और उसके बराबर भी हो सकता है। यानी ए डॉट बी का मॉडुलस क्या होगा, छोटा होगा मॉड ए इंटू मॉड बी से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन फिर से लिखते हैं एक बार, आप देख लीजिए, ए प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी हम लोगों का आया। ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा किससे, इससे मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी का मॉडुलस, ठीक। अब इसी के राइट साइड में एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू, जहाँ पे ए डॉट बी है उसकी जगह पे हम लोग मॉड ए इंटू मॉड बी लिख दें। देखिए क्या चेंज किया, यहाँ पे हमारा क्या था ए डॉट बी का मॉडुलस, यहाँ पे क्या कर दिया, मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए मॉड बी वाला एक्सप्रेशन ये बड़ा होगा, तो ये जो है बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर भी हो सकता है। अब बस हम लोग पहुंच गए, ये a प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हमारा हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ए
मॉड बी, दोनों तरफ चलिए अंडर रूट अभी लेते हैं, ए प्लस वी के मॉडुलस का होल स्क्वायर लेस देन मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी। तो ये हमारा क्या है, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का मॉडुलस छोटा होगा या इसके बराबर भी हो सकता है मॉड ए प्लस मॉड बी से। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो ये याद भी रखिए और इसका मतलब भी समझिए।